हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ इंग्लिश वर्कशीट नंबर फिफ्टी वन टूडेज वर्कशीट इज आल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी एंड वेरी क्रिएटिव वन आज की वर्कशीट आसान है और क्रिएटिव भी है इन दिस वर्कशीट वी नीड टू राइट अ डायरी एंट्री हमें एक डायरी एंट्री है वो करनी है हमें एक कुछ क्लीवस दिए गए उन क्लीवस को यूज़ करते हुए लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस इज वर्कशीट नंबर फिफ्टी आ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट सेवेंथ ऑफ नवम्बर 2020. ट्वेंटी यहाँ जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमें टीचर दिखाई दे रहे हैं एंड टीचर इज सेंग दैट हेलो स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर हॉबीज़ कि आज हम हॉबीज़ की बात करने वाले हैं आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम एंड आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूजिक हॉबीज़ क्या होती है जो हम फ्री टाइम में करना चाहते हैं जिनको करने में हमें मज़ा आता है तो यहाँ पे टीचर बता रहे हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉबीज़ हम हॉबीज़ की बात करने वाले हैं और फिर अपनी हॉबी शेयर करें आई लाइक टू कुक इन माय फ्री टाइम मुझे कुकिंग करना पसंद है एंड आई आल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक और मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है उसके बाद बाकी स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वेरियस स्टूडेंट से वो अपनी अपनी हॉबीज शेयर करते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल्स तो यहाँ पे एक स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे नॉवल पढ़ना पसंद है आई इन्जॉय मेकिंग वीडियोज़ मुझे वीडियोज़ बनाने पसंद है आई लाइक टू प्ले चेस मुझे चेस खेलना पसंद है एंड आई लव डांसिंग तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हर किसी की हॉबीज़ अलग अलग होती हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट हॉबीज़ एंड हॉबीज़ आर द नेचुरल वन हॉबीज़ होती है वो नेचुरल होती है इन्फोर्स नहीं की जाती कि मेरे फ्रेंड की ये हॉबी है तो मैं भी ये डेवलप कर लूँ नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता हॉबीज़ हमें नेचुरल होती है तो अब हमारा टास्क क्या है चलिए हम टास्क को देखते हैं इस वर्कशीट में टास्क दिया गया दैट इमेजिन यू आर त्रिशा और तीर्थ कि हमें इमेजिन करना है कि हम त्रिशा और तीर्थ हैं एंड यू पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटी विद योर क्लासमेट्स इन जूम क्लास कि हमने ये जो एक्टिविटी ऊपर पढ़ी ये जूम क्लास में थी यानी ऑनलाइन या क्लास थी उसमें हमने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबव अब हमें क्या करना है राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस हमें इसी के बारे में एक डायरी एंट्री करनी है यानी हम डायरी एंट्री के लिए हम डायरी एंट्री की वर्कशीट या रिपोर्टेड स्पीच की वर्कशीट है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं तो चलिए हम डायरी एंट्री करते हैं हमें क्या लगा कैसा लगा क्या हुआ उस ऑनलाइन जूम क्लास में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा सो लेट्स बिगिन तो डायरी एंट्री में सबसे पहले हमें डेट मैंशन करनी होती है और बैटर ये भी रहता है कि हम प्लेस भी मैंसन करें डे भी मेंशन करें और टाइम भी मेंशन किया जा सकता है तो हमने मेंशन किया सेवेंथ ऑफ नवंबर 2020 होम सैटरडे 10 10 पीएम अब हमें डायरी लिखनी है जो हमने मेंशन किया टुडे जूम क्लास वाज क्वाइट डिफरेंट आज की जूम क्लास काफ़ी अलग थी इट वाज फन एक्सपीरियंस खूब मजा आया इन आ इंग्लिश टीचर आ इंग्लिश टीचर मीन्स इन आ इंग्लिश क्लास टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस्ड ऑन हॉबीज हमारी इंग्लिश क्लास में टीचर स्टूडेंट्स ने किस पर डिस्कस किया हॉबीज़ के बारे में फॉर स्टूडेंट आ हॉबी वुड बीन टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम क्लासेज एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर सम थिंग दैट ही लाइक्स टू टू यानी कि हॉबीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स के लिए हॉबी वो होती है जिसमें हम कुछ समय निकालते हैं किस से क्लास से स्टडी से और हम वो करते हैं जो हमें पसंद होता है अ हॉबी शुड कम टू यू नेचुरली हॉबी अपने आप आनी चाहिए इट वॉज़ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द हॉबीज ऑफ माई क्लासमेट और बहुत मजा आया जब हमें अपने क्लासमेट की हॉबीज़ मुझे पता चली आई फाउंड दैट मेनी स्टूडेंट हैव देयर इंटरेस्ट इन म्यूजिक डांस एंड वीडियो एट्सेट्रा और मुझे पता चला कि काफ़ी सारे बच्चों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है डांस में है और वीडियोज़ में मोस्ट सरप्राइजिंगली माई बेंस हॉबी इज़ टू राइट पॉइम यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है एच ओ रहेगा सो मोस्ट सरप्राइजिंग सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरानी रही कि मेरी बेंच मेट की हॉबी है इज़ टू राइट पॉइम एंड गज़ल वो पॉइंट लिखती है गज़ल लिखती है आई एम देअ विध हर सिंस फोर्थ क्लास बट आई डिडेंट कम टू नो अबाउट दैट मैं फोर्थ क्लास से उसके साथ हूँ फिर भी मुझे पता नहीं चला कि वो पॉइम और गज़ल लिखती है सी रिसाइटेड अ पॉइम एंड इट वॉज टू गुड उसने एक पोईम सुनाई भी और बहुत अच्छी थी सेकेंड सरप्राइज़ वॉज माई इंग्लिश टीचर मिस्टर राम ऑल्सो लाइक टू डांस और सेकेंड सरप्राइज था कि हमारे इंग्लिश टीचर मिस्टर राम हैं वो भी डांस पसंद करते हैं डांस करते हैं इट वॉज सरप्राइज ये सरप्राइज क्यों था बिकॉज ही लुक शाई ऑन स्टेज क्योंकि वो शाही लगते हैं डांस किसी भी एंगल से डांसर नहीं लगते आई टू शेयर अबाउट माई हॉबी मैंने भी अपनी हॉबी के बारे में शेयर किया माई हॉबी इज़ गार्डनिंग मेरी हॉबी गार्डनिंग है आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी प्लांट एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आर लाइफ एंड दे नॉट ओनली प्रोवाइड एस फूड टू ईट बट ऑल्सो सर्व एस इन मेनी वेज कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कई तरीके से लाभदायक हैं न केवल हमें फूड देते हैं बल्कि कई तरीके से और भी हेल्प करते हैं दे मेक द एयर फ्रेश एंड कोल फॉर एस ये हवा को साफ करते हैं इट मीन्स दे कंट्रोल द पॉल्यूशन सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच इसलिए मुझे ट्रीज और प्लांट्स बहुत पसंद है इट वॉज स्पेशल एक्सपीरियंस एंड लेटर ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस था किसका जूम क्लास का एंड लेटर सर अनाउंस टू अपॉइंट मी एज द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ स्कूल इको क्लब आई एम टू हैप्पी टू और बाद में जब मेरी हॉबी के बारे में जाना तो सर ने मुझे इस इको क्लब का इंचार्ज बनाया और मैं बहुत खुश हूँ और उसके बाद हमें अपने साइन करने होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें त्रिशा या तीरथ के नाम से ही साइन करने दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट आज की वर्कशीट काफ़ी आसान रही है उम्मीद करता हूँ अब अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसे ही पढ़ते रहिए इस चैनल के साथ भी बने रहिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू बाय बाय है नाइस डे